बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका होस्ट नवाज़ कादरी और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल नवाज़ राजा बाज़ार। तो जैसा कि आपको मालूम है, इस चैनल के ऊपर हम आपको मुख्तलिफ जगहों का विज़िट भी करवाते हैं और अच्छी अच्छी जगह भी दिखाते हैं। तो अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप काइंडली सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और हो सके तो लाइक और शेयर भी कीजिएगा, इससे मेरी हौसला अफज़ाई होती है। तो चलें आगे बढ़ते हैं और वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं। जी बिल्कुल व्यूवर्स, आज मैं इस वक्त खड़ा हुआ हूँ रेंज रोड पे। आज जिस जगह का मैंने इंतखाब किया है वो रेंज रोड पे एक बहुत ज़बरदस्त एक बेकरी है, बहुत ही ज़बरदस्त उसका टेस्ट है। तो मैंने कहा अपने व्यूवर्स को भी उसका विज़िट करवाएं, उसको टेस्ट भी लेके उसको आपको चेक करवाऊँगा उसका टेस्ट कैसा है और इसके अलावा बेकिंग कैसी होती है। मैं कोशिश करूँगा बेकिंग भी आपको दिखा सकूँ। मैं ऑल इन ऑल आपको सब कुछ कोशिश करूँगा कि अपनी इस वीडियो में, अपने इस व्लॉग के अंदर आपको इस बेकरी के बारे में बता सकूँ। तो चलें इस बेकरी को अगर मैं आपको एड्रेस समझाऊँ तो आप जैसे ही कासिम मार्केट से इस रेंज रोड पर आते हैं, साथ ही यहाँ पर आज CNG मोस्ट पॉपुलर है, वो क्रॉस करते साथ ही थोड़ा सा आप आगे आएंगे तो साथ ही आपको मिल जाती है MJS बेकर्स। इस वक्त मेरे अकर पे मेरे कैमरामैन दिखा सके तो बिल्कुल इस वक्त आ सकती है MJS बेकर्स। बहुत ज़बरदस्त बेकरी है, इसका बहुत डिलीशियस टेस्ट है, बहुत वैरायटी है, इनके पास क्या कुछ है ये तो आप अंदर जाके ही पता लगेगा। तो चलें आगे बढ़ते हैं और मैं आपको इस बेकरी का विज़िट करवाता हूँ। जी व्यूवर्स, बिल्कुल इस वक्त आपके कैमरे की स्क्रीन के आगे MJS बेकर्स, जी बिल्कुल इस वक्त आपके कैमरे के सामने है। ये देखिएगा कितना प्यारा डिस्प्ले है और कितना प्यारा मंजर है यहाँ पर। आप ये देखिएगा, अगर मैं आपको बाहर से दिखाऊं इसका डिस्प्ले तो ये देखिएगा MJS बेकर्स एंड स्वीट्स, बहुत प्यारी बेकरी है और बहुत प्यारी स्वीट्स यहाँ पर मिलती हैं और बहुत सी वैरायटी इनके पास है जो आपको इस एरिया के अंदर, मैं आपको दावे से कह सकता हूँ कि यहाँ पर आपको वो चीज़ें नहीं मिलेंगी। क्या क्या टेस्ट है, क्या कुछ है इनके पास, तो अंदर चलते हैं और कोशिश करते हैं मैं आपको यहाँ से किसी बंदे से, भाई से इंटरव्यू भी लें और मालूम भी लें कि क्या कुछ इनके पास है। ठीक है, तो चलें आगे बढ़ते हैं और बेकरी का विज़िट करवाता हूँ। जी बिल्कुल व्यूवर्स, हम इस वक्त MJS बेकर्स के अंदर आ चुके हैं और हमारे साथ एक भाई मौजूद हैं, हम इनसे थोड़े से सवाल भी करते हैं और मालूम भी लेते हैं इस बेकरी में आखिर क्या कुछ मिलता है आपको। तो चलें हम इस बेकरी का आगाज़ करते हैं और इंट्रोडक्शन लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप, खैरियत से? सर फर्स्ट ऑफ ऑल अपना नाम बताना चाहेंगे सर, आपका नाम? मेरा नाम सैफुल्ला खान है। सैफुल्ला खान। और इस बेकरी में एज ए मैनेजर के तौर पर हूँ। अच्छा सर। और अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा अच्छा, मैनेजर के तौर पे आप इस बेकरी का सारी सुपरविजन आप कर रहे हैं? जी जी सर, सुपरविजन। सर बिल्कुल ठीक हो गया। सर हमारे व्यूवर्स की बहुत रिक्वेस्ट थी कि इस बेकरी के हमें वीडियो बना के बताएं इस बेकरी में आखिर है क्या क्या। अच्छा, तो हमने इस पूरे एरिए में, हमें आपकी बेकरी इससे मतलब इस काबिल लगी, समझ लें कि इतनी ज़बरदस्त बेकरी थी, हमने इस वीडियो आपकी बेकरी को सिलेक्ट किया, हम आपकी वीडियो बनाएंगे और अपने चैनल पर लगाएंगे। अव्वल तो आपकी बहुत बहुत मेहरबानी सर, सो नाइस सर, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे लिए स्पेशली टाइम निकाला। तो हम कोशिश करेंगे कि मिनिमम टाइम में काफ़ी कुछ दिखा सके। जी बिल्कुल। असल में ये जितना भी हमारे पास एरिया है, अगर आप यहाँ पे दिखा सके, हमने बहुत मिनिमम एरिया में बहुत सारी चीज़ें यहाँ दी हुई है। जैसे हमारे पास कॉफ़ी की सहूलत मौजूद है, कॉफ़ी भी आपके पास? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा। कॉफ़ी है और कॉफ़ी में पूरा एक मेन्यू है हमारे पास। जी, अगर कैमरा दिखा सके तो इनके पास ये देखिएगा जी, कॉफ़ी की भी इसमें बहुत वैरायटी मौजूद है जी, कॉफ़ी है, चाय है, हर तरह की ना। अच्छा। और सबसे मजे की बात ये कि उसी के आगे हमने अपने आइसक्रीम की डिस्प्ले लगाई हुई है। अच्छा। हमारे पास आइसक्रीम की है, आइसक्रीम की सारी वैरायटी हमारे पास अवेलेबल है। आइसक्रीम भी है, कॉफ़ी भी है, कॉफ़ी भी है, आइसक्रीम है। और उसके बाद नेक्स्ट जो चीज़ है वो हमारे पास है फास्ट फूड। फास्ट फूड में हमारे पास बेतहाशा वैरायटी है, यानी कि बहुत मिनिमम ऐसी बेकरी होगी कि जिसने इतनी वैरायटी दी होगी। अल्हम्दुलिल्लाह हमने ऑलमोस्ट हमारे पास 35 से 40 आइटम्स होंगे। अच्छा। और इससे भी ज़्यादा, चूँकि हमारे पास अभी डिस्प्ले की कमी है, एरिया इतना बड़ा है नहीं हमारे पास कि जिसकी वजह से हम दे सकें, तो जो कुछ इस काउंटर के अंदर आ रहा है उसी को वो किया है और प्रॉपर बेहतरीन हाइजीनिक माहौल है। अच्छा, अच्छा। और हमारी जो सबसे खूबसूरत बात है वो ये है कि हमने बहुत मिनिमम रेट के अंदर एक अच्छी क्वालिटी दी है। अगर यहाँ पे आप किसी कस्टमर की रिव्यूज़ भी आप कभी लेंगे जी, जी, तो बहुत मिनिमम रेट्स पे। अब अगर आप आते हैं जी बिल्कुल, कैमरामैन अगर हमें साथ साथ दिखा दें कि क्या क्या ये, अब ये हमारी चिकन पेस्ट्री है और अगर इसका हम वेट
वेट देख ले तो ये तकरीबन 270 ग्राम का है और ये जस्ट 120 की है। अच्छा 120 की है बेहतरीन एक अच्छी उसमें और टेस्ट के हवाले से बहुत प्यारा डिस्प्ले है। साथ आप कैमरामैन अगर इस तरफ दिखा सके हमें तो इनके पास क्या क्या वैरायटी मौजूद है यहाँ पर। साथ अब फ्राई सैंडविच है या हाफ कटलेस देखें, अब उसका साइज देखें और जस्ट वो 70 के अंदर है। शाशलिक इस तरह 140 का है। ड्रम स्टिक मार्केट में आप चेक करेंगे तो ये 160-140 के राउंड बाउंड में लोग सेल कर रहे हैं, हमारा जस्ट 110 का है। अच्छा। चिकन पाई जस्ट 100 रुपीस की है। अच्छा। और हम जैसे बहुत कम बेकरी है कि जिसने पिज्जा बाइट्स पिज्जा के अंदर बाइट्स लाए हैं। हाँ, बिल्कुल, और बिल्कुल, ये केजी में आपको मिल सकते हैं, यानी आप 100 रुपीस का भी ले सकते हैं, आप 200 का ले सकते हैं और इसकी प्राइस जस्ट 1000 पर केजी है। यानी ये वन बाइट पिज्जा है। अच्छा। और ये एक पाव के अंदर 14-15 पीसेस आ जाते हैं, यानी आप जहाँ पे मेहमानों को आप देते हो बिस्किट आपके एक पाव के अंदर 6-7 पीस आ जाते हैं। अच्छा, अगर आप बुरा ना मनाए सर, ये एक बाइट मुझे अगर चेक करा दे, लाजमी ये वाला, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ पे मतलब बहुत ज्यादा इतनी एक कोई एक सेल है और लोग काफी इससे मुतमईन है और कहते हैं कि यार एक अच्छी चीज है आपके पास, ये जी ट्राई करें जी। व्यूअर्स, आपको हम इसका बकायदा टेस्ट लेके हम आपको बताते हैं कि एक टेस्ट कैसा है। ये देखिए वन बाइट पिज़्ज़ा, ये आपको शायद मेरे ख्याल है इस एरिया में कहीं पर भी ये आपको ये स्टाइल और ये चीज़ वैरायटी और ये चीज़ नहीं मिलेगी। और फ्यूचर में इंशाल्लाह हमने सोचा है कि इस सारे फास्ट फूड काउंटर को ना हम कोशिश करेंगे वन बाइट के अंदर ही लाएंगे और यहाँ पर हर एक चीज़ केजी में मिलेगी, यानी कि आप शाशलिक आपको वन बाइट उसमें मिलेगा, ड्रम स्टिक का कोशिश करेंगे, साथ चिकन रोल, फिर बहुत सारी चीज़ें हमने फ्यूचर में इसको सोचा हुआ है। फिर आप इसके साथ साथ अगर आते हैं तो हमने सलाद की डिस्प्ले फुल दी है, नमकीन में हमारे पास वैरायटी है और साथ में क्रीमी के अंदर है और इस मुश्किल दौर के अंदर इस प्राइस के अंदर एक बेहतरीन सलाद सेल करना ये मेरे ख्याल से कहीं पर भी नहीं होगा। यानी कि हमने यहाँ पे कस्टमर को एक बहुत अच्छा बेनिफिट दिया है कि साथ बहुत मिनिमम रेट में कि सलाद का जो स्मॉल कप है जिसके अंदर कम से कम 300 ग्राम ये इजीली उस कप के अंदर आ जाता है और फिर ये जो मीडियम कप है ये हमारा 300 का है, तो हमने कोशिश की है कि यार एक अच्छा वो दिया। टेस्ट तो आपका ये बहुत मज़े का है, यकीन करें व्यूवर्स मैंने खाया, बहुत ही टेस्टी है। आप भी एक दफ़े लेके जाएं वन बाई पिज़्ज़ा, मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ पूरे एरिया में आपको कहीं भी नहीं मिलेगा, बहुत डिलीशियस टेस्ट है और बहुत मज़े का है। आप लोग भी आएँ और विजिट करें सर को, सर यकीन करें, नो कमेंट्स अबाउट दैट कि आपका जो वन बाइट पिज़्ज़ा है ये घर वाले भी अक्सर लेके गए, पसंद आया तो मैंने कहा जी इंशाल्लाह मैं भी व्यूवर्स को कमेंट्स देते हैं। तो सर अगला अगर अगर आगे आगे नेक्स्ट में हमारे पास में रखी हुई सर, अगर ये चिलर दिखाएं तो माशाल्लाह असल में बहुत मिनिमम वैरायटी, क्योंकि स्पेस की हमारे पास बहुत कमी है, काफी आपने वैरायटी रखी हुई है सर, स्पेस अगर ज्यादा हमारे पास आ जाती ना तो हम कोशिश करते कि उसके अंदर ना हम अपने और इस मेन्यू को और वो कर लेते, वसी कर लेते। तो अभी इंशाल्लाह उम्मीद है फ्यूचर में इसको एक्सटेंड करने का, तो हमारे पास वैरायटी बहुत ज्यादा आएगी। प्यारा इनके पास ये कोल्ड ड्रिंक में भी रेंज है माशाल्लाह, और बहुत डिफरेंट कुछ मिल्क फ्लेवर भी नज़र आ रहे हैं और डाइट सेवन अप भी नज़र आ रही है और काफ़ी सेवर बेवरेज में आपके पास काफ़ी रेंज पड़ी हुई है माशाल्लाह। तो कैमरा मैन से रिक्वेस्ट करूँगा हमारे साथ साथ अगर आगे आ जाएं, ये फिर हमारी जो सी है बंशन आ जाते हैं, ठीक है ना, और लोगों के लिए हमने सेल्फ सर्विस पे रखा है कि आओ इधर खुद ही बंद इसमें तलाश लो, हम नहीं आपको देंगे, आप इसमें देख लो जो चीज़ आपको पसंद है। अब ये क्रोसेंट है फिलिंग वाले और इनके रेट भी बड़े मज़ेदार है, यानी कि 120 के अंदर जस्ट 4 पीस और 120 में 4 पीस है, 4 पीस है और सबसे मज़े की बात यह है कि लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। अब मेरे पास ये वैरायटी चूँकि अनफॉर्चुनेट कि अभी आप आ रहे हैं तो ख़त्म हो गई है। अच्छा, ये इसमें भी कुकीज़ के अंदर हमारे पास काफ़ी वैरायटीज़ आती है, फिर उस तरह हमारे बिस्किट चूँकि अभी हमारे थोड़े से मामला नहीं ठीक चले तो अभी हमने रेट इसका रिवाइज कर दिया, अदरवाइज़ 800 रुपीस का पर केजी बिस्किट था। अच्छा। और जिसने खाए हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह कहीं और नहीं गया, उसको यहीं पे ही अभी तक आ रहा है। अभी करंट क्या रेट, अभी करंट रेट जो सा है वो 950 है, 950 बिल्कुल कैमरामैन दिखा सके अगर तो, और करंट जो है और जो है वो 1000 है क्रॉस का, ये जो 1000 है और बिस्किट जो है वो दूसरे वो 950 के, वो 950 के है। और सबसे सबसे जो अच्छी चीज़ मैं दिखाना चाह रहा हूँ, हमारे पास शुगर फ्री पेशेंट्स के लिए, अच्छा, हमने जो ब्रेड्स हैं, ब्रेड आपके पास मल्टीग्रेन होल व्हीट जरा दे दें, हमारे पास शुगर फ्री ब्रेड भी, जी बिल्कुल व्यूअर्स आपको शुगर फ्री ब्रेड भी मिलेगी, अगर कोई शुगर के पेशेंट्स हैं तो उनको भी यहाँ से आपको मिलेगी जी, 100% शुगर फ्री। यानी ये मुख्तलिफ ग्रेन से बने हुए हैं और हमने कोशिश की है कि यार
और ये होल व्हीट है जो बिल्कुल खालिस गंदम से बनती है। इसके अंदर ये मल्टी ग्रेन है, इसमें बहुत सारे ग्रेन शामिल है, यानी कि मकई का आटा, जो का आटा, और इसमें आप बाजरे का आटा, अच्छा। तो बहुत सारे उससे, और ये अल्हम्दुलिल्लाह भी है, बहुत ज़बरदस्त है, और इसकी कॉस्ट हमें ख़ुद बहुत महंगी पड़ती है, लेकिन हम मतलब कोशिश की है कि हम खुद पल्ले से डाल के ही लोगों को दे रहे हैं, और 70 रुपीज़ का ये ईच वाकई जी 70 बिल्कुल, ये तो बिल्कुल काफ़ी लो प्राइस। तो साथ हमने फिर जो हमारा चिकन पैटीज़ है, और ये जो वन बाइट पैटीज़ है, ये भी हमारा केजी के अंदर है, लोग बड़े शौक से लेके जाते हैं, कोई वन पीसेस की वो नहीं है। फिर साथ में हमने वन बाइट स्वीट की, ये आपकी पेटी भी मैं चेक करना चाहूंगा, ये जी प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, ये आप ज़रा डाल लीजिएगा वन बाइट पेटीज। मैं आपको व्यूवर्स अभी बाइट करके आपको टेस्ट करके आपको रिव्यू भी देते हैं कि बिल्कुल नवाज़ भाई को ये कैसी लगी, यहाँ पर आके हमने कैसा इसको फील किया। ये बिल्कुल जी बिल्कुल सर, ये कर दें ये, चूंकि अगर ओवन हो जाए तो और भी जबरदस्त होगा। नहीं हम वैसे लेते हैं बिल्कुल, आप चले आप साथ बताएंगे और कौन सी वैरायटी, जब तक आपको टेस्ट करके बताता हूं उसका टेस्ट कैसा है। साथ स्वीट की वैरायटी रखी है, यानी एक मिनी हाल के अंदर हमने अल्हम्दुलिल्लाह हर एक चीज़ की वैरायटी दी है कि आप जब MJS बेकरी स्वीट बेकर एंड स्वीट रेंज रोड पर आप आएँगे तो आपके इसके अंदर फास्ट फूड में कमी नहीं होगी, और बिस्किट हर तरह का आपको मिलेगा, स्वीट हर तरह की मिलेगी। और फिर हमने सबसे मज़े वाली बात यह है कि साथ साथ हमने इंट्रोड्यूस किया चॉकलेट केक का ना, ये मतलब आप रेट देखें कि हमारा सिंपल जो छोटा केक है वो 150 का है जस्ट, और लार्ज केक 290 का है, और इस वक्त मार्केट का आपको पता है कि इसका रेट 180 और 190 चल रहा है, और ये 360-370 ये चल रहा है बिल्कुल हमारा बिल्कुल मिनिमम रेट, और कमाल का जायका। डोनट हमारा जस्ट 70 रुपीज़ का है, ठीक है ना, कोई भी डोनट फिलिंग वाला लेते हो, टॉपिंग वाला लेते हो, ब्राउनी हमारा का आपका बहुत अच्छा है माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल सर बिल्कुल बहुत। तो साथ में हमने कोशिश ये की है, बहुत जबरदस्त है, मैंने बाइट किया चिकन पैटीज का, बहुत जबरदस्त और बहुत डिलीशियस टेस्ट है, आप लोग भी जरूर आए एक दफा जरूर इसको आजमाएं। फिर ये हमारे पास आ जाता है पेस्ट्री, आगे आ जाते हैं हम बिल्कुल, पेस्ट्रीज आ जाते हैं, पेस्ट्री में अल्हम्दुलिल्लाह हमने वैरायटी दी है ब्रोनी, मसला फिर अगेन कहता हूँ स्पेस का हमारे पास इशू है, नहीं तो अल्हम्दुलिल्लाह हम इतनी सलाहियत रखते हैं कि 5-6 किस्म की कर सकते हैं, काउंटर भर सकते हैं खाली पेस्ट्री की वैरायटी से, अच्छा। इतनी सलाहियत अल्हम्दुलिल्लाह रखते हैं। साथ में फिर केक के हवाले से हम शुरू से MJS पॉपुलर है, केक ने हमेशा MJS को बड़ी इज्जत दी है, बड़ा एक मकाम दिया है, और हमने जी हमने साथ कोशिश की है आप, और यहाँ सबसे मज़े की बात यह है कोई दो रेट नहीं है, अच्छा। कोई इसमें डिफरेंट नहीं है, आप आते हो जस्ट 500 रुपये पर पाउंड है, अच्छा जस्ट 500 कोई भी आप केक चूज करते हो जस्ट 500 का है, ये नहीं है कि इस केक का अलग प्राइस हो उसका अलग प्राइस हो, टू पाउंड हमारा 1000 का आ जाता है, और जी 500 जी व्यूअर्स आपके लिए बहुत जबरदस्त चीज है यहाँ पर, तो 500 का आपको मिल जाएगा, जो भी आप लेना चाहें यहाँ से आप इनको केक ऑर्डर कर सकते हैं। ये जस्ट हमारी ब्रोनी है, ये वो केक है जो लोग 1800-2000 रुपये में सेल करते हैं, ये जस्ट हमने 200 रुपीज़ इसका ज़्यादा चार्ज करते हैं, ये जस्ट 1200 का है, 1200 यानी हमारे पास खाली दो ही रेट है, ब्राउनी कोई भी लेगा 2 पाउंड में वो 1200 का, अदरवाइज बाकी जितने भी केक हैं सब 1000 रुपये 2 पाउंड का केक आपको मिलेगा, 500 पर पाउंड होगा, कोई भी आप चूज़ इसमें कर लो, ड्राई में चाहे चूज़ करते हो चाहे आप फ्रेश क्रीम में चूज़ करते हो। और फिर हमने सबसे कोशिश ये की है कि साथ साथ पिज़्ज़े का भी दिया हुआ हमने, अच्छा हमारे पास इनके पास तो पिज़्ज़ा भी मिल जाएगा आपको, आपको तो मतलब एक छत के नीचे सब कुछ मिल जाएगा, यू कैन बाय ईच एंड एवरीथिंग, पिज़्ज़ा का ये मेन्यू है हमारा, और बहुत मिनिमम रेट है, कैमरा मैन अगर ज़ूम कर दे दिखा दे हमारे व्यूअर्स को भी ताकि आसानी हो जाए उनके लिए, रेट स्माल हमारा 7 इंच का है, मीडियम जो सा है वो 11 इंच का है, लार्ज जो सा है हमारा वो 13 इंच का है, और एक्स्ट्रा लार्ज हमारा 16 इंच का है, और इस वक्त ये रेट जो से है हमने कोई रिवाइज़ नहीं किया और यही रेट है, और अल्हम्दुलिल्लाह लोगों को काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। साथ ही एक पिज़्ज़ा आया हुआ है, मैं चाह रहा हूँ कि इसको आपको ज़रा दिखा भी दूँ, एक यार पिज़्ज़ा इत्तेफाक से पिज़्ज़ा भी आया है तो हम देख लेते हैं ये किन्हें आपके ऑर्डर किया होगा, जी कटर दे दे मुझे मैं ज़रा वो कर लूँ, बिल्कुल आपको बिल्कुल इस वक्त लाइव मनाजर दिखाते हैं कि इनके जो फ्रेश इस वक्त पिज़्ज़ा तैयार हुआ वो कैसा है पिज़्ज़ा, तो काफ़ी लोगों को सस्पेंस होगा, काफ़ी लोगों ने कहा कि हम जिस बेकरी की आप सारी सबसे मज़े की बात तो ये बार हमने शॉर्मे का भी सेटअप दिया हुआ, अच्छा। और बाहर सूप का भी हमने सेटअप दिया हुआ, और मैं ये कहता हूँ कि अगर किसी को भी कोई भी यहाँ का रिहायशी हो जो हमें देख रहा हो वो यकीनन हमारी क्वालिटी से
सेटिस्फाई होगा, जो नहीं है वो एक दफ़ा फिर भी मौका दे दे, वो एक दफ़ा अगर कोई गलती हुई हो हमसे तो इंशाल्लाह वो ये आप दिखा सकते हैं। फीलिंग में कोई कमी नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, चिकन की टॉपिंग में, साथ चीज़ की टॉपिंग में प्यारा, किसी चीज़ का वो नहीं है, बहुत ही प्यारा। तो ये हमारा एक्स्ट्रा लार्ज है, एक्स्ट्रा लार्ज है और ये जस्ट 1400 का है, 1400 में एक्स्ट्रा लार्ज पिज़्ज़ा यहाँ से बिल्कुल आप फ्रेश लेके जा सकते हैं। अगर आप ऑर्डर दें तो कितनी देर में सर आप तैयार कर देते हैं तकरीबन? ऑलमोस्ट 20 मिनट्स में वो तैयार कर देते हैं, 20 मिनट्स में ऑलमोस्ट। और होम डिलीवरी है, सबसे मजे की बात ये है कि 5 जी फ्री होम डिलीवरी, अच्छा अप टू 5 किलोमीटर हमारी फ्री होम डिलीवरी है, बहुत सारे लोग वो करते हैं। और सबसे हमारी जो सबसे मेन खासियत है वो ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह गूगल से कोई भी केक लेके आओ, अच्छा हमारे यहाँ नान नहीं है उसको बनाने में, अच्छा कोई भी केक उठा लें, कोई भी गूगल से उठा लो और हम बना लेते हैं, कोई उसमें इतना वो है नहीं कि हम उसका एक्स्ट्रा चार्जेस या डिमांड कर दें या वो, कोशिश होती है कि लोगों को और सहूलत दे सके। और अल्हम्दुलिल्लाह इस चीज़ में अल्लाह ताला ने हमें बड़ी इज्जत दी है, इसमें तो कोई शक नहीं है सर। माशाल्लाह जितनी रेंज आपके पास पड़ी हुई है, जो वैरायटी देखें, कॉफ़ी भी मिल जाएगी आपके पास, कोल्ड ड्रिंक भी मिल जाएंगी, मतलब पिज़्ज़ा तक आपके पास है, ब्रेड, बिस्किट, केक, मतलब ईच एंड एवरी थिंग यू कैन बाय फ्राम वन प्लेस, आप बिल्कुल सब चीज़ें यहाँ से परचेज है। इवन आइसक्रीम भी आपके पास पड़ी हुई है, ऐसे ही और वो भी जो आपको बड़ी बड़ी बेकर से मिलती हैं, जो आपको फ्रेश आइसक्रीम मिल जाती है, ऐसे ही तो लोग किशन केरी पर जाते हैं बहुत सारी, इसीलिए जाते हैं कि वहाँ एक ही स्पॉट में उनको सब कुछ चीज़ें मिल जाती है। ये समझ लो एक फूड केशन कह रही है, अच्छा कि आप यहाँ पे आओ, इंशाल्लाह कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होगी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के करम से जो यहाँ से मिलेगी नहीं। और बहुत सारी ऐसी चीज़ होती है जो हमारे पास नहीं होती, हम कस्टमर से टाइम लेते हैं और उनको फिर बना के देते हैं। अच्छा जी जी, वाह जी वाह, ये तो व्यूअर्स बड़ी अमेजिंग, यहाँ तो आपको बहुत सी फैसिलिटी मिल रही है, तो आप लोग ज़रूर आएँ, ज़रूर विज़िट करें। और मैंने भी बहुत सी चीज़ें यहाँ से टेस्ट की हैं, वाकई इनका टेस्ट इस पर कोई कमेंट्स नहीं है, क्या टेस्ट है इनका, तो बिल्कुल आप लोग भी ज़रूर आएँ, विज़िट करें यहाँ के, टेस्ट इनका चेक करें कैसा है। तो अब तक के लिए इतना ही, इंशाल्लाह फिर आपको इसकी मज़ीद आपके वीडियो में इसकी प्रोडक्शन और जो भी होगी सर वो भी आपको इन जी बिल्कुल। व्यूवर्स यहाँ पर एक कस्टमर भी आए, हमने कोशिश की है इनके भी रिव्यू लें यहाँ पर, ये कब से आ रहे हैं, क्या चीज़ इन्होंने टेस्ट की है, नहीं की है, कैसा टेस्ट है, तो आए इनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम। प्यारे भाई क्या नाम है आपका? काशिफ नाम है मेरा। काशिफ भाई आप कुछ बताना चाहेंगे इस बेकरी के बारे में, आपने इसकी बेकरी का क्या क्या टेस्ट चीज़ आपने टेस्ट की है और कैसा आपको लगे इस बेकरी के बारे में सर, कुछ रिव्यू देना चाहें आप सर? माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जब से ये बेकर ओपन हुई है ना, तो 3 to 4 times मेरा पहले भी चक्कर लग चुका है, उसके बाद जब से इनका पिज़्ज़ा मैंने ट्राई किया है तो बच्चे अच्छा शुरू से यही कहते हैं कि जी हमने जाना है तो MJ's पर जाना है। अच्छा वाकई। दूसरा इनके बिस्किट बच्चों को बहुत पसंद है, केक की क्वालिटी बहुत अच्छी है, अदरवाइज़ आइसक्रीम तो बहुत ही बेहतरीन और बहुत फ्रेश। तो आप काफ़ी टाइम से आ रहे हैं यहाँ से परचेजिंग कर रहे हैं, आपको यानी कि ईच एंड एवरी थिंग यहाँ से जो आपने खाई आपको फ्रेश और अच्छी मिली यहाँ से? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा पिज़्ज़ा भी आप चेक करें, हम जाते थे सदर, अच्छा सदर हमें दूर पड़ता था, ये भी नज़दीक पड़ता है, तो हमारे इलाके में अब जो ओपन हो गई है तो बहुत अच्छा लग रहा है और अल्लाह इनको मज़ीद कामयाबी अता फरमाए। बिल्कुल जी बिल्कुल, हमारी भी दुआएं हैं। इनका जो टेस्ट है और उनकी जो वैरायटी है वो यहाँ पर मैंने इस पूरे एरिया में मैंने अभी तक नहीं देखा। बिल्कुल अच्छी बात है, ऐसे ही आप इस पर करेंगे कमेंट के, फ्रेश जो बिल्कुल हर चीज़ इनकी फ्रेश होती है और वैरायटी इनके पास जो पड़ी हुई है, जो रेंज इनके पास पड़ी हुई है, आस पास किसी बेकरी के पास किसी पर भी नहीं है। बिल्कुल जी, ये आपने बिल्कुल सही कहा जी, बिल्कुल आपने व्यूअर्स इनके रिव्यू सुने कि इन्होंने भी कैसा कहा, तो बिल्कुल इस आप भी ज़रूर आएँ, विजिट करें और यहाँ का टेस्ट ज़रूर चेक करें। ठीक है, हमने एक और कस्टमर यहाँ पर आए हैं, हमने इनसे कीमती टाइम लिया है और इनसे भी रिव्यू लेते हैं, कैसे लगी बेकरी? जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम भाई, कैसे हैं आप? फर्स्ट ऑफ ऑल सर आपका नाम क्या है? अल्हम्दुलिल्लाह मोहम्मद बिन सफी मेरा नाम है। अच्छा अच्छा, मैं जो बजातुल्लाह सफी का बेटा हूँ। अच्छा अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह। सर आप बताना चाहेंगे इस बेकरी के बारे में, इस बेकरी में आपने कुछ चीज़ टेस्ट की, आप आए हैं कुछ लेने के लिए, कैसी लगी बेकरी सर? आपने हमारे व्यूवर्स को कुछ रिव्यू देना चाहेंगे इस हवाले से? मैं तो इस बार पहली बार आया हूँ, अपने कज़न के साथ आया हूँ, उसने मुझे बहुत कुछ इसके बारे में बताया, उसने मुझे सबसे पहले तो मुझे शवरमे की तरफ लेके गया। अच्छा, अभी मैं खाऊंगा, देखते हैं कैसा है, लेकिन वो मेरा कज़न मुझे बता रहा है कि बहुत अच्छी है, ऊपर आप लोगों का अपना किचन है। जी बिल्कुल एक्जेक्टली ऐसा ही है बिल्कुल ऐसा ही है, सेटअप अच्छा है आपका। मैं तो कहूँगा थोड़ा एक्सपेंड करने का कुछ है। बिल्कुल, वो इनको हमने कहा है, इंशाल्लाह वो कह रहे हैं कि जगह कम है, इंशाल्लाह मज़ीद एक्सटेंड करके इसको मज़ीद जो है ना वो बेहतर करेंगे। तो आप पहली दफ़ा आए हैं, मैं उम्मीद करता हूँ आपके जो कज़न्स आ रहे हैं वो उन्होंने टेस्ट किया होगा। जी वो मुझे बता रहे हैं, बहुत तारीफ कर रहा है, कह रहे हैं कि तहजीब के मुकाबले में है। बिल्कुल ऐसा ही है, इसका टेस्ट जो है वाकई तहजीब के मुकाबले में है और बड़ी बड़ी बेकरी के साथ इसका टच करता है। आप शवरमा टेस्ट करें और भी कुछ चीज़ करनी है चेक करें, और उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छी लगी बेकरी। सो नाइस ऑफ यू सर, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया।
जी व्यूवर्स, बिल्कुल इस वक्त हम मौजूद हैं MGS बेकरी के, हम इनके जो जहाँ पर ये सारी प्रोसेसिंग हो रही होती है, आपको हमने कहा था आपको दिखाएंगे ये कितने साफ माहौल में, कितने प्यारे इन्वायरमेंट के अंदर ये यहाँ पर क्या तैयार हो रही है, हम इसे देखते हैं। सर ये क्या तैयार करें सर आप? चिकन टिक्का सैंडविच। चिकन टिक्का सैंडविच व्यूवर्स आपके सामने, बिल्कुल आप देख सकते हैं चिकन टिक्का सैंडविच तैयार हो रहा है और बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही फ्रेश, और किस तरीके से ये देखें तैयार कर रहे हैं आपको इस वक्त लाइव दिखा रहा हूँ अपने कैमरे की स्क्रीन में, आप देख सकते हैं कि ये देखें कैसे तैयार कर रहे हैं आप। इनकी देखिएगा सफाई सुथराई, और आप इनकी मटेरियल देखिएगा कितना प्यारा ये तैयार कर रहे हैं आप, ये देखिएगा। यहाँ पर हर चीज़ आपको डेली बेसिस पे फ्रेश मिलेगी, और कोई भी चीज़ आपको ऐसी नहीं मिलेगी कि आप खाएं और आपको मज़ा ना आए, बिल्कुल फ्रेश है। जिस तरह का ऑर्डर होता है उस हिसाब से ये बिल्कुल दिन में कई दफ़ा ये तैयार करते हैं कस्टमर के डिमांड के ऊपर, जिस तरह डिमांड आती है उस तरह ये बिल्कुल तैयार करते रहते हैं। अभी ये डिमांड आई थी, इन्होंने फ्रेश तैयार करें, ये देखिएगा आप ब्यूटीफुल। ये देख सकते हैं आपके सामने इस वक्त बिल्कुल तैयार हो रहा है, बिल्कुल फ्रेश और ज़बरदस्त आपके सामने सैंडविच तैयार हो रहे हैं, आप चेक कीजिएगा। हम इस तरफ थोड़ा सा आ जाते हैं ताकि आपके व्यू थोड़ा सा बेहतर आ जाए, आप ये चेक कीजिएगा। ये देखिए कितनी सफाई और कितनी नफासत के साथ आप ये देखिएगा ये तैयार कर रहे हैं, और ये चेक कीजिएगा आप। ज़बरदस्त ज़बरदस्त, बिल्कुल हम थोड़ा सा जूम करते हैं, ये देखिएगा जी कितना फ्रेश और कितना ज़बरदस्त किस्म का इन्होंने सैंडविच तैयार किया है, आप ये चेक कीजिएगा। ये देखिएगा आप इसका फाइनल मिराइल में है, इसको हम इन्होंने रैपिंग करनी है, आप ये चेक कीजिएगा इसको। कितनी एक्सपर्ट बंदे इनके पास काम कर रहे हैं, स्टाफ भी बिल्कुल इनका बहुत एक्सपर्ट है, जो बहुत तेज़ी से और बहुत टाइम मैनेजमेंट के अंदर अपने काम को सर अंजाम देते हैं, आप ये चेक कीजिएगा। ये देखिएगा जी ये बिल्कुल ये तैयार हो गए सर, ये बिल्कुल व्यूअर्स आपकी स्क्रीन भी आपके भी सब देख सकते हैं ये सैंडविच बिल्कुल तैयार हो गए हैं, और कितने लजीज और कितने मज़ेदार हैं, ये तो आप आएंगे खाएंगे तो तभी आपको पता लगेगा, ये चेक कीजिए जी व्यूअर्स। इस वक्त आप लाइव कैमरे की स्क्रीन में देख रहे हैं कि केक मैन्युफैक्चरिंग कैसे होते हैं, बनते कैसे हैं, और कैसे आप तक ये MGS बेकरी भी आपको मैसर होते हैं, ये देखिएगा कितनी प्रोफेशनल तरीके से ये तैयार करें माशाल्लाह। हमने कहा चलें आपको इसकी प्रोसेसिंग भी दिखाते हैं कि कैसे तैयार करें भाई, आप इनकी डिज़ाइनिंग देखें, आप इनके काम का स्टाइल चेक कीजिएगा माशाल्लाह, कितनी महारत के साथ कितनी सफाई के साथ आप इनका सिस्टम देखें कि बिल्कुल सफाई सुथराई इतनी ज़्यादा है कि हर कोई आपको बताए किचन में आने नहीं देता, मगर इन्होंने बिना झिझक हमें कहा कि जी बिल्कुल आप ज़रूर आएँ और आप हमारे किचन की भी वीडियो बनाएँ, आप ये देख सकते हैं कि ये इस वक्त आपके सामने केक तैयार हो रहे हैं। ये देखिएगा असल में केक के तो आपको पता है नीचे MGS बेकर्स पे कितने डिज़ाइनिंग है, कितनी सब कुछ है, मगर हर केक को आपको दिखाना पॉसिबल नहीं है, इसलिए हमने इनसे रिक्वेस्ट की है कि हमें एक दो केक बनते हुए दिखा दें ताकि हमारे व्यूवर्स देख लेंगे ये जो आप लोग केक खाते हैं उनकी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसिंग कैसी होती है, तो हमने इनसे रिक्वेस्ट की है, तो हमारी रिक्वेस्ट पर इन्होंने हमारे दो जो केक हैं वो बनते हुए इस वक्त हमें चेक करवाएंगे कि कैसे यहाँ पर मेकिंग सारी सी होती है। ये देखिएगा ब्यूटीफुल, ये देखिएगा किस तरीके से ये तैयार कर रहे हैं माशाल्लाह, इनकी महारत चेक कीजिएगा, इनकी सफाई चेक कीजिएगा कि ये देखिएगा। ये सर ऊपर क्या लगा रहे हैं आप? अच्छा जी मिक्स फ्रूट्स लगा रहे हैं जी, बिल्कुल आपके सामने इस वक्त कैमरे की स्क्रीन में आप देख सकते हैं कितनी महारत के साथ कितनी सफाई के साथ और कितना ये अच्छा इस वक्त काम कर रहे हैं, ये देखिएगा। ये तैयार हो गए सर माशाल्लाह जी, ये देखिएगा जी व्यूअर्स एक केक बिल्कुल इनका तैयार हो चुका है, आप इसको चेक कीजिएगा बिल्कुल।
ब्यूटीफुल। इस केक को देख के तो मुंह में पानी आ रहा है, खाने को दिल कर रहा है, मगर हम बिल्कुल नहीं खाएंगे क्योंकि ये नीचे यकीनन ऑर्डर का तैयार हो रहा है, तो हम इसको बिल्कुल हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे यहाँ से। अब ये दूसरा तैयार हो रहा है जी, दूसरा तैयार हो रहा है सर जी, बिल्कुल। ये इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ ये स्टाइल डिफरेंट होगा ना, बिल्कुल जी बिल्कुल। व्यूअर्स ये देखिएगा, इस वक्त आप कैमरे की लाइव स्क्रीन भी देख सकते हैं कि एक और केक तैयार हो रहा है इस वक्त। इसका स्टाइल थोड़ा सा डिफरेंट है, आप ये चेक कीजिएगा इस वक्त। ये देखिएगा किस तरीके से इन्होंने माशाल्लाह इसकी कवरिंग कर दी है पूरे के पूरे केक की, ये देखिएगा आप, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल ज़बरदस्त, कितनी महारत रखते हैं अपने काम में माशाल्लाह। आप देख सकते हैं कि इसका पूरा का पूरा केक का जो व्यू है वो नक्शा ही चेंज हो चुका है इस वक्त, आप ये देखिएगा इस वक्त। आप लाइव मनाजिर देख रहे हैं MGS बेकरी के केक की प्रोसेसिंग कैसी हो रही है यहाँ पर। अच्छा ये चॉकलेट लगा रहे हैं सर आप, अच्छा ये देखिएगा व्यूअर्स, ये चॉकलेट है और ये देखिएगा माशाल्लाह। अच्छा ये तैयार हो गया जी, ज़बरदस्त जी बिल्कुल। ये आप व्यूअर्स देखिएगा, इन्होंने फ्रेश चॉकलेट इसके ऊपर लगा दी है और डिफरेंट स्टाइल है, एक ये स्टाइल तैयार हो गया केक का, और ये दो हमारी रिक्वेस्ट पर इन्होंने तैयार किए हैं क्योंकि नीचे ऑर्डर कम्प्लीट हो गया ऑलमोस्ट, मगर हमारी रिक्वेस्ट पर इन्होंने दो केक तैयार किए हैं, ब्यूटीफुल जी ब्यूटीफुल जी। व्यूअर्स इस वक्त आप देख सकते हैं कि ये पिज़्ज़ा कैसे बनता है और पिज़्ज़े की मेकिंग कैसे होती है सारी, ये इस वक्त लाइव मनाजिर आप हमारी स्क्रीन पे इस वक्त देख सकते हैं। MGS बेकरी के पिज़्ज़ा कैसे तैयार होते हैं ये आप देखिएगा, ये इसकी डो तैयार हो रही है, कैसे तैयार कर रहे हैं आपको चेक करवाते हैं। आप लोगों ने व्यूअर्स अभी तक तो पिज़्ज़े खाए होंगे, मगर मेकिंग आप लोगों ने नहीं देखी होगी कि ये बड़ी बड़ी बेकरी में आखिर ये तैयार कैसे होते हैं। तो हमने बिल्कुल, आप हमारे इस चैनल पे आप देख सकते हैं कि ये पिज़्ज़े और ये केक और भी चेक करेंगे इस वक्त क्या क्या चीज़ें उनकी बन रही होगी, हम कोशिश करेंगे आपको लाइव दिखा सकें, जो पॉसिबल हो सका इंशाल्लाह हम वीडियो शूट करके आपको दिखाएंगे अपने कैमरे की स्क्रीन पे इंशाल्लाह। तो ये देखिएगा इस वक्त ये पिज़्ज़ा तैयार हो रहा है, सर ये क्या चीज़ है अगर आप बताना चाहें। ये चेदर चीज़ है, जेलर चीज़, चेडर, चेडर, चेलर चीज़, अच्छा चीज़ है ये, ठीक हो गया बिल्कुल, ठीक चेडर चीज़ है, ठीक हो गया जी। ये चेडर चीज़ इस वक्त लगा रहे हैं इस पर, ये आपके सामने बिल्कुल देख सकते हैं आप, कितनी सफाई के साथ और कितनी नफासत के साथ यहाँ पर काम होता है। आप लोग ज़रूर आएँ, आप ज़रूर विज़िट करें, आप एक दफ़ा टेस्ट खाएँगे आप कहेंगे कि वाकई MGS बेकरी का जो टेस्ट है वो आपको इंशाल्लाह, मैं पूरे दावे से कह सकता हूं कि आपको इस पूरे एरिया में आपको इस जैसी बेकरी, इस जैसा टेस्ट आपको नहीं मिलेगा। ये अभी पिज़्ज़ा बना रहे हैं, हम कोशिश करेंगे इसकी इंशाल्लाह जब तैयार हो जाए तो हम इंशाल्लाह इस पर रिव्यू भी देंगे आपको कि कैसा लगा है। ले जी ले, बिल्कुल तैयार हो गया जी, ये प्यार है, प्यार है। अच्छा अच्छा पकेगा, अच्छा जी चलें, अभी ये ओवन में जब पकेगा तो उसके बाद इंशाल्लाह हम आपको दिखाते हैं ये कैसा पका है, और मैं कोशिश करूँगा थोड़ा सा टेस्ट करके आपको उसका रिव्यू भी दूँ कि ये पिज़्ज़ा कैसा बना है। तो हम थोड़ा सा गैप लेंगे ताकि ये तैयार हो गया तो उसके बाद हम आपको दिखाते हैं कैसे तैयार होता है जी। व्यूअर्स इस वक्त पिज़्ज़ा तैयार हो गया है और ये बिल्कुल फ्रेश पिज़्ज़ा जो हमने थोड़ी देर पहले आपको दिखाया था वो तैयार हो गया है, सब कुछ हो गया है। तो जी सर इसके पीस कीजिएगा और हम आपको टेस्ट करके भी चेक कराएंगे इसका टेस्ट कैसा है, क्योंकि रिव्यू बहुत ज़रूरी होता है अपना कि हमने आप खाया हमें कैसा लगा, हमने कैसा पाया इस बेकरी को। तो बिल्कुल वो पीसीस कर रहे हैं और ये देखिएगा बिल्कुल फ्रेश इस वक्त तैयार हो चुका है, ब्यूटीफुल कटिंग सर, कुछ छोटा सा बिल्कुल एक पीस हम बिल्कुल, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। व्यूअर्स ये बहुत ज़बरदस्त और डिलीशियस इस वक्त ये पिज़्ज़ा तैयार हो चुका है और मेरे हाथ में है गरम गरम इस वक्त, तो मैं आपको टेस्ट करके बताता हूँ ये इसका टेस्ट कैसा है, ठीक है ना। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम जी। नवाज़ भाई कैसा टेस्ट लगा हमारे MGS बेकर का पिज़्ज़ा? ब्यूटीफुल ऑसम, बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट है, मैं कहता हूँ कि बहुत ही मतलब नो कमेंट्स अबाउट दैट कि कैसा लगा टेस्ट। मैं थोड़ा सा और बाइट करूंगा जी, बिल्कुल बहुत मजे का टेस्ट इसका है।
ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त है। मैं कहता हूँ कि अभी पेट में जगह तो नहीं है, मेरा दिल कर रहा है पूरा पिज़्ज़ा खा जाऊँ, मगर मैं खाऊँगा नहीं क्योंकि अभी मैं नाश्ता करके आया हूँ। तो बहुत मज़े का है, काफ़ी इसमें मेहनत लगी, काफ़ी टाइम लगा और बहुत मज़े का बनाया है। बहुत मज़े का भाई। बाकी आपने पिज़्ज़ा आपने चेक करना है तो आप यहाँ पर आएँ और ज़रूर चेक करें, बहुत मज़े का है। तो जब तक मैं पिज़्ज़ा खाता हूँ आप इसको भी दिखाइएगा जूम करके हमारे व्यूवर्स को कि पिज़्ज़ा इनका बना कैसे है। ये आप चेक कर सकते हैं, बहुत ही मज़े का और बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट है। ये सैंडविच भी यहाँ पर तैयार किए थे, पिज़्ज़ा भी तैयार हुआ है और इसके टेस्ट के बारे में कोई कमेंट्स नहीं है। आप जब खाएंगे तो आपको पता लगेगा। मुझे तो बहुत अच्छा लगा, मैंने कुछ चीज़ें नीचे भी बाइट की थी, बहुत मज़े की थी और उम्मीद करता हूँ आपको भी पसंद होगी। तो चलें आगे बढ़ते हैं और आगे इनके देखते हैं अभी नेक्स्ट प्रोसेसिंग क्या हो रही है, ठीक है ना। अब तक लिए यहाँ से इतना ही बोल रहे हैं जी व्यूअर्स। इस वक्त आप कैमरे की स्क्रीन में देख रहे हैं ये डोनट तैयार करने लगे हैं, तो हमने इनसे रिक्वेस्ट की है कि आप दो डोनट हमें बना के दिखा दें कैसे बनते हैं। तो जी सर कैसे बनाएंगे आप बिल्कुल हमें ज़रा इसकी। चॉकलेट स्लैब है। अच्छा 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 अच्छा, ये देखिएगा जी डोनट कैसे तैयार होते हैं। अच्छा ये डोनट तो इन्होंने जो मटेरियल था इसकी दो थी वो तो पहले की तैयार की हुई थी, तो ये फाइनलाइज कैसे होता है हम आपको दिखाते हैं। अच्छा ये डोनट तैयार हो रहे हैं। अच्छा ये चॉकलेट वाला ठीक होगा जी, बिल्कुल ठीक होगा। ये बच्चे बड़े सब बड़े शौक से खाते हैं डोनट, तो भाई हमारे बच्चे भी बहुत शौक से खाते हैं। तो ये देखिएगा ये तैयार कैसे होते हैं, ज़बरदस्त ज़बरदस्त जी। ये देखिएगा जी ये डोनट भी तैयार हो चुके हैं, दो डोनट हमारी रिक्वेस्ट पर उन्होंने तैयार कर दिए हैं। ये देखिएगा कितने फ्रेश और कितने ज़बरदस्त और मज़ेदार तैयार किए उन्होंने, ये आप चेक कीजिएगा इसको। ये देखिएगा ये वाइट चॉकलेट चिप है और एक दूसरा चॉकलेट चिप है ये, बिल्कुल ये देखिएगा बहुत ज़बरदस्त और बहुत ही फ्रेश इस वक्त तैयार हुए हैं, आप ये देख सकते हैं कैमरे की स्क्रीन पर। व्यूवर्स ये देखिएगा इस वक्त इनके पास चिकन पेटीज तैयार हो गई थी, क्योंकि हम थोड़ा सा लेट आए हैं तो हमने कहा चलें बनते हुए तैयार हो गई हैं हम आपको दिखा दें। ये चिकन पेटीज हैं और सर इसकी ये क्या हैं? ये शुगर पफ। शुगर पफ, शुगर पफ जी, शुगर पफ हैं। और सर ये क्या हैं? ये बकर खानी है। ये बकर खानी है जी, बिल्कुल आप देख सकते हैं कैमरे की स्क्रीन पर कि ये इस वक्त बिल्कुल नवाज भाई बकर खानी देखें, ये आपको इंशाल्लाह कहीं से भी नहीं मिलेगी, इसकी खूबसूरती देखें आप। बिल्कुल ये तो कोई शक नहीं है, तो देख सकते हैं जितनी नफासत और जितना प्यारा डिज़ाइन है इसका, तो ये बहुत ही प्यारी है सर, बहुत प्यारी है। हमने कल नीचे बेकरी की वीडियो बनाई थी, तो अब ये आज ऊपर की हम आए मेकिंग की सारी, बहुत प्यारी और बहुत ही फ्रेश तैयार किए आपने और बहुत ही लजीज माशाल्लाह। जी व्यूवर्स उम्मीद करता हूँ मेरा आज का व्लॉग, मेरी आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। बहुत मेहनत से बहुत टाइम निकाल के मैं यहाँ पर आया और काफ़ी मेरे साथ इनके स्टाफ ने काफ़ी कोऑपरेट किया और सारी मुझे जितनी चीज़ें हो सकती थी पॉसिबल थी। अभी तो बहुत सी चीज़ें रह गई हैं, बिस्किट थे वो तैयार हो रहे थे, काफ़ी टाइम लगना था। अभी काफ़ी चीज़ें आपको पता है इस बेकरी में वो तैयार हो रही हैं, काफ़ी टाइम लगना था, तो जो पॉसिबल था मैंने आपको दिखा दिया यहाँ पर कैसे हो रही है, कितनी सफाई सुथराई और कितना बेहतरीन इनका स्टाफ है, बहुत कोऑपरेटिव है और बहुत मज़ा आया। मैंने तो हर चीज़ तकरीबन बाइट की यहाँ से और बहुत मज़ा आया, आप भी ज़रूर आएँ विज़िट करें इसको। तो उम्मीद करता हूँ मुझे मेरे व्यूवर्स को आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अब तक के लिए इतना ही, अपने होस्ट नवाज़ कादरी को इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह ने के बाद।